नमस्कार, स्वागत है आपका सच को न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर में पिछले 5 दिन से बोरवेल में गिरा 2 साल का फतेहवीर अब हमारे बीच नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक फतेहवीर की मौत हो गई है। बता दें कि फतेहवीर को आज सुबह करीबन 5 बजे कड़ी मशक्कत के बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया था, जिसके बाद वहां पहले से तैयार खड़ी एम्बुलेंस में तुरंत चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया तो पता चला कि बॉडी पूरी तरह से डीकम्पोज हो चुकी थी और पूरे हॉस्पिटल में बदबू फैल चुकी थी। बोरवेल के अंदर पाइप के जरिए ऑक्सीजन तो बराबर दी जा रही थी और कैमरे से नजर भी रखी जा रही थी, पर सूत्रों के मुताबिक 5 दिन तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था। बच्चे का मुंह मिट्टी से धंसा हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन कितना लापरवाह हो चुका है। 5 दिन लग गए 2 साल के बच्चे को बाहर निकालने में। इस तरह से लोगों का भरोसा प्रशासन से उठ चुका है। पंजाब के संगरूर में 110 फीट से भी अधिक गहरे बोरवेल में 100 घंटे से ज्यादा समय तक गिरे रहे 2 साल के मासूम फतेहवीर सिंह को आज सुबह करीबन 5 बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया। उसे तुरंत ही चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रवाना कर दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहवीर की मौत की खबर पाकर लोग भड़क गए और उन्हें पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गांव के लोगों का आरोप है कि यदि फतेह का रेस्क्यू ऑपरेशन उसी बोरवेल के द्वारा करना था तो इतने दिनों से इंतजार क्यों किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। फतेहवीर 6 जून को दोपहर बाद करीब 4 बजे बोरवेल में गिरा था और 10 जून यानी कल उसका जन्मदिन था। 100 घंटे से भी अधिक समय तक बोरवेल में फंसे रहने के कारण उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। रविवार शाम से प्रशासन कुछ समय में फतेहवीर सिंह को बाहर निकाले जाने का भरोसा दिलाता रहा, लेकिन आखिरकार फतेहवीर की मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह फतेहवीर को रस्सियों और कुंडियों की मदद से निकाला गया था। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं न्यूज़। धन्यवाद।